हाय फ्रेंड्स, आज हम बडवाइजर बियर केक बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने 1 kg केक बेस लिया हुआ है। उसे डीमोल्ड करेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। और यहाँ पे मैंने अराउंड 1 cup ऑफ व्हिप क्रीम लिया है। उसमें मैंने 2 से 3 बड़े स्पैचुला से गनाश ऐड किया है और उसे मैं मिक्स करके चॉकलेट क्रीम बनाकर रखूंगी हमारी केक के फिलिंग के लिए। मैंने 2 parts में हमारी केक को स्लाइस कर लिया है। फिर मैं इसे शुगर सिरप से स्प्रिंकल कर लूंगी और हमने यहाँ पे 2 tablespoons अराउंड ऑरेंज क्रश को इस पे डाला है और उसे भी हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। फिर हमारी चॉकलेट क्रीम जो हमने बनाई थी उसकी लेयर देंगे। और इस केक को हमें ज़्यादा स्टिफ रखना है, इसलिए हम इसके ऊपर अब गनाश की लेयर देंगे ताकि ये केक हमारा अंदर से भी थोड़ा बहुत स्टिफ हो, कड़क हो, तभी वो हमारी बॉटल को अच्छी तरह से होल्ड कर पाएगा। इस पर मैंने एक थिन लेयर चॉकलेट क्रीम की दी और फिर मैं इस पे दूसरा जो स्लाइस था केक का वो रखूंगी। और इस केक को हमें गनाश से ही क्रम कोटिंग करना है बिकॉज गनाश जैसे ही फ्रिज में जाएगा वो अपने आप चॉकलेट की वजह से टाइट होने लगेगा और हमारा केक बाहर से और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेगा। हमने इसे पूरी तरह से गनाश में कोट कर दिया है। गनाश में चॉकलेट होने की वजह से जैसे ही इसे हम ठंडा होने रखेंगे ये अच्छी तरह से कड़क हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम इसे गनाश में कोट करते हैं तो हमें उसे 30 मिनट्स के लिए अंदर रखना है फ्रिज के, और फिर 30 मिनट्स के बाद हमें उस पर सेकेंड कोटिंग देनी है ताकि हमारे केक के वॉल्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमारी बॉटल का वेट हमारा केक अच्छी तरह से ले पाए। अब हम स्क्रेपर से अच्छा फिनिशिंग दे रहे हैं हमारे केक को। कभी भी ऐसे केक बनाने हो जिसमें हमें बॉटल रखनी है, कोई डॉल रखनी है या फिर हमें ऐसी कोई हेवी चीज़ अपने केक पर रखनी हो, तो नॉर्मली हमें केक को गनाश में ही बनाना चाहिए ताकि चॉकलेट में ही इतनी स्ट्रॉन्गनेस होती है कि वो किसी भी हेवी चीज़ को होल्ड कर पाता है। यहाँ पर मैंने 750 ml की बडवाइजर की बियर बॉटल ली है और वो फिट हो ऐसा मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और इसके अंदर मैं डबल स्टिकिंग टेप्स को स्टिक कर रही हूँ ताकि हमारी बॉटल को वो अच्छी तरह से होल्ड करें। और अभी हमें इसमें बॉटल को अच्छी तरह से चिपकाना है। फिर हम इन गैप्स को एल्युमिनियम फॉइल से फिल करेंगे ताकि हमारी बॉटल कंटेनर में हिले नहीं, और ये एल्युमिनियम फॉइल उसे सपोर्ट भी देगा स्टैंड करने के लिए, वो सीधी खड़े हो पाएगी। सब जगह से हम बॉटल को सिक्योर कर लेंगे।
यस, अभी वो हिल नहीं रही है। अब हम केक पर सेम साइज़ के एक कंटेनर से हमने मार्किंग कर ली है और जैसे आउटलाइन आई है उसी आउटलाइन की शेप में हमें अभी केक को कट कर लेना है। नॉर्मली कंटेनर की हाइट जितनी होगी उतने हिसाब से हमें उसकी हाइट में केक को भी कट करना है और अंदर से हम गनाश से सिक्योर कर रहे हैं अंदर की साइड्स को ताकि वहाँ से क्रम्स बाहर ना निकले और हमारा केक स्पॉइल ना हो। अब हम हमारे केक में जो बनाया हुआ कैविटी है उसे स्मूथ कर लेंगे और इसमें मैंने डावल्स को प्लेस किया है ताकि मेरा केक कहीं से टूटे नहीं और इस बॉटल का जो भी वज़न है वो अच्छी तरह से वो होल्ड कर सके और कंटेनर की साइड से हम गनाश लगाएंगे ताकि जो भी गैप्स हैं वो भर जाए और हमारा कंटेनर भी केक में अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। और मैंने इस कंटेनर की रिम्स को यानी कि उसकी ऊपर वाली साइड्स को कवर करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट लिया है ब्लैक कलर का और उससे मैंने वो साइड हाइड कर दिए। देखिए मैं किस तरह से उसे छिपा रही हूँ और स्टार नोजल से मैंने इसके ऊपर फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हमें इन्हें मार्शमेलो से चॉकलेट से डेकोरेट करना है। यहाँ पे मैंने गोल्डन ग्लिटर से कुछ चॉकलेट डेकोरेशंस बनाए थे उनको मैंने गोल्डन डस्ट से सजाया है और मैं उन्हें साइड वॉल्स पे लगा रही हूँ ताकि हमारा केक और भी बढ़िया लगे। मैंने यहाँ पे एक डोनट भी ऐड किया है कभी भी याद रखिए जब भी आप उसमें बॉटल प्लेस करते हैं तो जिस कंपनी या जिस ब्रांड की वो बॉटल है वो नाम कभी भी हाईलाइट होना ही चाहिए तभी वो केक दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल्स डाल रहे हैं वाइट कलर के ताकि और हमारा केक एनहांस हो और बहुत अच्छा लगे। केक इज रेडी, हमारा केक रेडी है और लास्टली मैं इस पे कैडबरी शॉट्स ऐड कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने चॉकलेट के फ्लावर्स बनाए थे वहाँ पे मैं चॉकलेट्स को ऐड कर रही हूँ। सी हाउ ब्यूटीफुल आवर केक इज लुकिंग, इट्स डन एंड रेडी टू गो।
थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू.